आर्टिकल 3 कल हमने दूसरा आर्टिकल देख लिया था, महत्वपूर्ण शब्दावली। तीसरा आर्टिकल है लिगेंड के प्रकार। लिगेंड क्या काम करता है तो बता दिया था, ऐसी स्पीशीज जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करें उसे अपन कहते हैं लिगेंड। अब कितने परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं उसके आधार पर लिगेंड के प्रकार। यदि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दे तो उसे अपन कहेंगे एक दंतुक लिगेंड। फर्स्ट यहां पर आता है आपका एक दंतुक लिगेंड। नाम से स्पष्ट है, ऐसे लिगेंड जिसमें एक ही दाता परमाणु उपस्थित हो, एक दाता परमाणु उपस्थित, इस प्रकार के लिगेंड को हम कहेंगे एक दंतु लिगेंड या मोनोडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल H2O लिगेंड के रूप में इसको इसका नाम है एक्वा और इसमें दाता परमाणु आपका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को देगा। केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षण में ये लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। इसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन है और आवेश, इस पर आवेश होता है जीरो क्योंकि ये उदासीन लिगेंड है। H2O कैसा लिगेंड है? उदासीन लिगेंड है, इसलिए इस पर आवेश कितना होगा? जीरो। उसी प्रकार अपन सेकेंड एग्जाम्पल देखें NH3। NH3 को अपन कहते हैं एमीन, लिगेंड के फॉर्म में इसका नाम है एमीन और यहां पर जो दाता परमाणु है वो है नाइट्रोजन। आवेश इस लिगेंड पर भी जीरो। ये भी उदासीन लिगेंड है। CO लिगेंड के फॉर्म में इसको हम कहते हैं कार्बोनिल। यहां पर दाता परमाणु ऑक्सीजन और यहां पर भी आवेश जीरो क्योंकि ये भी आपका उदासीन लिगेंड है। NO नाइट्रोसिल यहां पर दाता परमाणु ऑक्सीजन आवेश यहां पर भी जीरो क्योंकि ये भी उदासीन लिगेंड है। Cl- क्लोरो दाता परमाणु यहां पर क्या है बोलो? Cl यहां पर भी आवेश कितना है? माइनस एक। ये ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड है। ये सभी एक से लगा करके चार तक क्या है? उदासीन एक दंतुक लिगेंड। ये क्या है सभी? उदासीन एक दंतुक लिगेंड। OH- इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन।
ऑक्सीजन और M का मतलब यहाँ पर केंद्रित मेटल।
वो जीरो है, इसलिए ये व्यापार कैसा हुआ? उदासीन द्विदंतुक लिगेंड। उदासीन द्विदंतुक लिगेंड का दो दंत बने होते हैं लेकिन उस पर आवेश जीरो होता है, इसलिए इसको उदासीन द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। सेकंड एग्जांपल इसमें द्विदंतुक लिगेंड में एग्जांपल टू देखें, ऑक्सेलेटो, इसको अपन लिखते हैं ऑक्सेलेटो और शॉर्ट में सुनते हैं ओएक्स। टू माइनस चार माइनस टू माइनस कितना है? टू माइनस। और यहां पर दो दाता परमाणु है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये भी आपका द्विदंतुक लिगेंड है लेकिन कैसा है? ऋणात्मक द्विदंतुक। ओके, दो दाता परमाणु, अब आप समझ चुके होंगे। अगला अपन देखते हैं तीसरा त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड नाम से स्पष्ट है, तीन दाता परमाणु, एग्जाम्पल में देखते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तीन नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय द्रव्य को देगा, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और ये नाइट्रोजन देगा, तीन दाता परमाणु इसमें है, तीन नाइट्रोजन, इसलिए ये कैसा हो गया? त्रिदंतुक लिगेंड। इसका नाम क्या होगा? इस समूह को कहते हैं एथिलीन। इसको क्या कहते हैं? एथिलीन। तो एथिलीन समूह कितने हैं इसमें? दो हैं। तो डाई एथिलीन नाम क्या हो गया इसका? डाई एथिलीन। और एमीन समूह कितने हैं? वन टू एंड थ्री। तो डाई एथिलीन डाई एमीन इसका नाम हो गया, डाइएथिलीन ट्राइएथिलीन। तीन नाइट्रोजन परमाणु, तीन दाता परमाणु। और ये भी आपका उदासीन लिगेंड, इसमें भी आवेश जीरो होता है, ये उदासीन लिगेंड। इसी प्रकार चौथा आता है आपका चतुर्दंतुक लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड। नाम से स्पष्ट, चार दाता परमाणु, चार दाता परमाणु इसमें उपस्थित होते हैं, मतलब चार परमाणु जो होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन के द्वितीय कक्षक में देंगे। एग्जांपल इसमें देखें अपन, ठीक इसी टाइप का, इसमें क्या कर रहा हूं, ये हो गया आपका चतुर्दंतुक लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड।
अपना आज का